दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप हार्ड डिस्क के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड डिस्क में पार्टीशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आई बटन में मैंने एक वीडियो दी हुई है जिसमें मैंने बताया है कि कंप्यूटर में नोटपैड से सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हार्ड डिस्क में पार्टीशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य कुशवाहा। सूरज की टेक्निक यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, चूँकि मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हार्ड डिस्क का पार्टीशन कैसे करते हैं, तो फिलहाल मैंने हार्ड डिस्क में कोई पार्टीशन नहीं किया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी भी हार्ड डिस्क में कोई पार्टीशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये है 198 GB का, ये है 335 GB का और यह है 397 GB का। तो मैं अभी फ़िलहाल इसका पार्टीशन करूँगा। 397 GB है तो इसमें से मैं 10 GB को अलग कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पार्टीशन करने के लिए आप अपने माउस के कर्सर को कंप्यूटर के आइकॉन पर ले आइए और माउस से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, उन पर आप मैनेज पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसको मैं फुल कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ आपको डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो भी हार्ड डिस्क में पार्टीशन थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं इसके और एक और पार्टीशन करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा श्रिंक वॉल्यूम का, यहाँ पर इसको श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 44,430 इंटर द अमाउंट, यहाँ पर आपको लिखना होता है कि जो हम एक नई वॉल्यूम बनाएंगे उसका स्टोरेज कितना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस हार्ड डिस्क में पार्टीशन करके मेरी जो नई वॉल्यूम बने वो तकरीबन 10-11 GB के आसपास होनी चाहिए। तो वैसे हम इसमें अमाउंट, इस स्टोरेज अमाउंट MB में लिखते हैं, तो मैं तक लिख देता हूँ 12,000 MB। और लिखने के बाद हम श्रिंक पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम श्रिंक पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक 11.72 GB की एक नई वॉल्यूम आ जाती है। लेकिन ये वॉल्यूम अभी अनलोकेटेड है, मतलब यह वॉल्यूम अभी हमारे कंप्यूटर में छुपी हुई है, ये अनलोकेटेड है। तो चलिए फाइल मैनेजर में जाकर देखते हैं कि वो शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर वो शो नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि वो अभी भी अनलोकेटेड है। ठीक है, तो वो अनलोकेटेड जो पार्टीशन है उसको दोबारा से सही करने के लिए हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उनमें से हम क्लिक करेंगे न्यू सिंपल वॉल्यूम पर। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 और फिनिश। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, उस नेक्स्ट करते गए और फिनिश कर दिया। ठीक है, कितना सिंपल था, कुछ नहीं किया हमने, नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए, फिनिश कर दिया। अब हमारे एक नया पार्टीशन जो कि है 11.72 GB का, वो बन रहा है। तो ये बन चुका है, तो चलिए देखते हैं। तो इसको कीजिए क्लॉस, इसको भी कीजिए क्लॉस और इसको कीजिए ओपन। तो दोस्तों, जैसा कि हमको दिख रहा है, हमारे पास आ चुके हैं 4 पार्टीशन। जी हाँ, हम जीत गए। तो दोस्तों, कितना अच्छा है ना कि हम भी अपने हार्ड डिस्क का पार्टीशन अपनी मर्जी के मुताबिक कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं और अपने डेटा को अलग अलग जगह पर स्टोर कर सकते हैं पार्टीशन करके। ठीक है दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो हार्ड डिस्क का पार्टीशन करके दिखाए। मुझे लगता है कि 80% तो आपके फ्रेंड्स आपको मना कर देंगे कि भाई हार्ड डिस्क का पार्टीशन नहीं होगा, लेकिन आप तो जानते हो कि हार्ड डिस्क का पार्टीशन हो सकता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को हार्ड डिस्क का पार्टीशन करके बताइए और उन्हें चौंका दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और धन्यवाद यार, इसी तरह की वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो यार। बस थैंक यू, अगली वीडियो में देखो होता क्या है।